थोड़ा बैलेंस बना रहे हैं, ऐसा ना हो ना ज्यादा कैनेडियन बन गए हम, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जस्ट होप कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो पाता। तो एक तरीके से आप वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। परंपरा अनुसार हमने एक फ्रिज मैग्नेट जरूर ले लिया है। Hey guys, welcome back to the channel. So, अभी पिछली कुछ वीडियोस में काफी लोग बोल रहे थे कि आप थोड़े व्लॉग्स और बनाओ, तो बस आज वही करने जा रहे हैं। है क्या चीज़ ना, एक्चुअली अभी विंटर्स थी तो इसलिए भी ज़्यादा व्लॉग्स नहीं बना रहे थे, क्योंकि विंटर्स में आपको पता ही है कनाडा में विंटर्स थोड़ी हार्श हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा देर के लिए आप आउटडोर्स नहीं रह पाते हो, ठीक है। तो ये रीज़न था, बट वरना अगर वैसे देखो तो व्लॉग्स बनाना हमें भी बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि ज़्यादा मेहनत नहीं है ना, ईजी है। आपको ना कोई रिसर्च करनी है, ना आपको कोई स्क्रिप्ट बनानी है, राइट। वो सब कुछ जो भी हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस हो रहा है, हम भी घूम रहे हैं, हम भी मजा कर रहे हैं, साथ में व्लॉग भी बन रहे हैं और आप लोगों को भी मजा आ रहा है, तो ऑब्वियसली हमें अच्छा लगता है वो। लेकिन वो ये विंटर्स थी इसलिए नहीं बना रहे थे, लेकिन अब जैसे आप देख रहे हो कि अब स्प्रिंग सीजन आ गया है, वेदर थोड़ा सनी है, कंसिस्टेंटली टेम्परेचर जो है वो डबल डिजिट्स में जा रहा है, स्नो पिघल गई है, तो नाउ इज द राइट टाइम कि आप बाहर निकलोगे, घूमोगे फिरोगे, तो अब ऑब्वियसली हम भी घूमेंगे फिरेंगे, व्लॉग्स बनाएंगे और आपको भी एंजॉय कराएंगे। सो आज हम एक जगह जा रहे हैं जो कि मैंने सोच के रखी है, काफी इंटरेस्टिंग जगह है एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी। सो लेट्स होप, देखते हैं कि निशांत को पसंद आती है कि नहीं। निशांत को ही नहीं सर, देखते हैं कि आपको भी पसंद आती है नहीं। कैलगरी में आने का ये फायदा बहुत ज्यादा है कि कहीं भी ड्राइव पे निकल जाओ, थोड़ी दूर में आपको ये सुंदर नजारे देखने जरूर मिल जाते हैं। तो जैसे कि आपने साइन बोर्ड पे देख ही लिया होगा कि एक ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बट स्पेसिफिकली फॉर वुल्फ डॉग्स। सो ये एग्जैक्टली क्या होते हैं और कैसे दिखते हैं हम अंदर जाके देखेंगे, लेकिन आपको मैं बात बता दूं कि ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि पूरे कनाडा में ये एक लौती ऐसी जगह है जहाँ पे वुल्फ डॉग्स की ऐसी एक सेंचुरी बनी हुई है, एंड आप जाके उनके साथ एक्सपीरियंस कर सकते हो। आपने मुझे उल्टा बना दिया। अरे ठीक है। सो बेसिकली वुल्फ डॉग होते क्या हैं? दे आर काइंड ऑफ अ मिक्स बिटवीन वाइल्ड वुल्फ एंड डॉग, एंड डिपेंडिंग ऑन कि उनके अंदर उनके डीएनए में कितना ज़्यादा मिक्स है वुल्फ का और कितना ज़्यादा डॉग का, उनका नेचर उनका एटीट्यूड डिफर करता है। सो वुल्फ डॉग काइंड ऑफ थ्री लेवल्स में होते हैं। एक होता है लो वुल्फ कंटेंट डॉग, दूसरा होता है मिड, एंड तीसरा होता है हाई। सो जितना ज़्यादा हाई कंटेंट ऑफ वुल्फ डॉग होगा, दैट मीन्स उसमें जो फीचर्स हैं, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो एक्चुअल वाइल्ड वुल्फ से ज़्यादा मैच करेंगे। अब वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आई थिंक इवेंचुअली वी लर्न, यहाँ के जो गाइड्स हैं वो हमें बताएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइबेरियन हस्की जो डॉग्स होते हैं ना, जो बड़े सुंदर से लगते हैं और हाउलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उनमें 11.4% जो है वो अपना उसमें डीएनए होता है फॉर वुल्फ, तो मतलब काफ़ी लो कंटेंट है, इसलिए साइबेरियन हस्की इसको डॉग्स ही कहा जाता है, उनको वुल्फ डॉग नहीं कहा जाता। और यहाँ पे एक आई थिंक लोकी जो है लो कंटेंट वुल्फ यहाँ पे है। सो वुल्फ डॉग का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो ज़्यादा सोशल नहीं होते, जैसे कि हम नॉर्मल डॉग्स को जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, लोगों से बात करना चाहते हैं, इंटरेक्ट करना चाहते हैं, बट जो वुल्फ होते हैं और जितना ज़्यादा हाई कंटेंट वुल्फ डॉग होता है, उतने ही ज़्यादा वो अपनी ही ग्रुप में, अपने ही जो उनका क्या कहेंगे झुंड होता है उसमें रहना पसंद करते हैं, इंस्टेड ऑफ ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करना। सो यहाँ पे अलग अलग टाइप के टूर होते हैं। एक होता है कि सेल्फ गाइडेड, बेसिकली दैट मींस इन रास्तों में आप खुद ही चलो और जो वुल्फ्स हैं उन सब वुल्फ डॉग्स हैं उनको देखो। दूसरा होता है एक इंट्रोडक्टरी टूर जो कि हमने बुक करा है, उसमें बेसिकली आपके साथ एक गाइड भी होता है, एंड आप एक डेक पे भी जाते हो जहाँ पे आप थोड़ा सा और पास से वुल्फ डॉग्स को देख सकते हो, लेकिन आप स्टिल उनके एकदम सामने नहीं होते हो, यू आपके और उनके बीच में एक ना कोई बैरियर ज़रूर होगा। तीसरा टाइप का होता है, वो होता है इंटरैक्टिव, बेसिकली उसमें यू कुड बी सिटिंग राइट नेक्स्ट टू देम और वो आपके हाथों से शायद कुछ फीड भी ले लें, उनके डिपेंड करता है उनके मूड पे, बट वो हमें लगा थोड़ा ज़्यादा डेयरिंग हो जाएगा हम लोगों के हिसाब से जिनके पास एक नॉर्मल डॉग भी नहीं है। सो हम ये वाला टूर करने जा रहे हैं,
विच इज़ जस्ट इंट्रो डॉग इंट्रो टूर विद अ गाइड. सो जैसे कि आपने देखा कि ये वुल्फ डॉग बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही एनिग्मैटिक लगते हैं, लेकिन हर प्रोविंस में इनको लीगली एज अ पेट रखना अलाउड नहीं होता. ऑल दो अल्बर्टा में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनको एज अ पेट रखना बहुत ईजी है, बिकॉज इनमें काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड कंटेंट होता है कम्पेयर टू आपका जो रेगुलर डॉग होता है घर में. और इसी वाइल्ड कंटेंट की वजह से ना होता क्या है कि कई लोग जिनको लगता है ना शौक होता है कि हाँ बड़े अच्छे लग रहे हैं वुल्फ डॉग, सुंदर लग रहे हैं, यूनिक लग रहे हैं, तो वो पेट तो रख लेते हैं, लेकिन इस वाइल्ड कंटेंट की वजह से जब उनको लेटर ऑन रियलाइज़ होता है ना कि नहीं यार शायद हम ये एज अ पेट संभाल नहीं पा रहे, या हमारे घर में छोटा बच्चा है तो रिस्की हो सकता है, तो वो ना इन वुल्फ डॉग से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अब होता क्या है, बिकॉज दे आर वाइल्ड काइंड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, तो ऑब्वियसली हर कोई उन्हें पेट तो रखना चाहेगा नहीं, तो इन वुल्फ डॉग्स को दूसरा घर मिलना बड़ा मुश्किल होता है. तो अगर आपने पेट रख लिया और अब आप छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसे में इन वुल्फ डॉग्स को यूथनाइज कर दिया जाता है, मतलब कि मार दिया जाता है. और कैनेडा में 90% ऑफ वुल्फ डॉग्स विद इन 2 ईयर्स जब वो बॉर्न होते हैं, विद इन 2 ईयर्स 90% ऑफ वुल्फ डॉग्स को यूथनाइज कर दिया जाता है. इसका मतलब ये है कि अगर आप बिना सोचे समझे इन वुल्फ डॉग्स को पेट रख रहे हो और आपको बाद में लग रहा है कि नहीं यार छुटकारा पाओ, सही नहीं है, संभाला नहीं जा रहा, तो एक तरीके से आप वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो. सो हमने डिसाइड किया कि इस जगह पर इसलिए आते हैं क्योंकि कैलगरी में वैसे भी वाइल्ड लाइफ का बहुत अल्बर्टा पूरे प्रोविंस हाँ इनफैक्ट सॉरी पूरे अल्बर्टा प्रोविंस में यहाँ पे कई बार लोगों के घरों में आप नोटिस करोगे कि बैकयार्ड्स में ना गूज एक एनिमल होता है, नहीं गूज होता है, क्या होता है वो, मूज होता है, मूज सॉरी गूज नहीं, गूज तो बर्ड होती है, मूज वगैरह मतलब ऐसे वाइल्ड लाइफ बैकयार्ड आ जाते हैं, वाइल्ड कैट्स आ जाती हैं. तो यहाँ पे मतलब वाइल्ड लाइफ को एम्ब्रेस किया जाता है. तो वो कहते हैं ना जैसे व्हेन इन रोम देन डू एज रोमन्स डू, वैसे अब जब अल्बर्टा में आए गए हैं, यहाँ पे परमानेंटली मूव हो ही गए हैं, तो फिर वाइल्ड लाइफ को एंजॉय करना तो बनता है. हम तो सिर्फ विद इन कैलगरी से आए हैं, लेकिन यहाँ पर और भी लोग हैं जो बहुत दूर दूर से आए हैं, जैसे कि स्पेन, लंदन एंड इवन कोरिया. हाउ हाई दे कैन जंप बिकॉज आई सी दीज एनक्लोजर लाइक दीज, आई एम जस्ट वंडरिंग. क्वेश्चन पूछा था कि हाउ हाई कैन दीज वुल्फ डॉग्स जंप, सो उन्होंने जवाब दिया कि दीज गाइज कैन ईजली जंप 6-7 feet, एंड हम जिस यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन डेस्क पे खड़े हैं ये उससे कम है. सो इफ़ दीज वुल्फ डॉग्स वॉन्ट, ये आराम से यहाँ आके कूद के आ सकते हैं, बट बिकॉज दे हैव बीन कंडीशन दैट वे कि ये लोगों के आसपास रह सकते हैं और दे डोंट फील द नीड, दे आर नाइस, सो इसलिए वो नहीं कूदेंगे. ये बबल्स डाल के देख रहे हैं कि इनका रिएक्शन कैसा होगा. But that was a little anticlimactic. They're like, I don't know what to do with this. This is just food. This isn't anything interesting. We made these little ground beef kind of balls or eggs, I guess you could say. We put a little bit of food dye on them and we'll see what they think about them. ये एक wolf dog का tooth है जो खराब हो गया था, उन्होंने हटाया उसका. लेकिन can you imagine कितना बड़ा है ये? तो इस introductory tour के साथ एक नॉर्मल एक सेंचुरी वॉक जो है वो भी कॉम्प्लीमेंट्री होती है, तब हम आराम से घूम सकते हैं यहाँ पे सेंचुरी में और ख़ुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. ये हमें देखते देखते ये भी उस वाले डेक से यहाँ पे आ गई है. वहाँ पे वो गाइड बता रही थी कि विंटर्स के टाइम पे ना अनलाइक डॉग्स, वुल्फ डॉग्स का क्या होता है कि वो अपने आप फर उनका हैवी हो जाता है, राइट, फर कोट बन जाता है, फर कोट जैसे कि अभी जैसे हम डाउन फेदर कोट पहनते हैं, राइट, उनके में अपने आप ही वो फर आता है जो विंटर्स में ऑब्वियसली उनको ठंड से बचाता है, लेकिन स्प्रिंग के टाइम पे इस टाइम पे अब उनका शेड होना शुरू हो जाता है. ठीक है, बट हाँ ये है कि कितनी यूनिक चीज़ है कि अपने आप ही मतलब नेचर में ऐसा है कि वो फर अपने आप आ रहा है विच इज़ प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम विंटर्स. सो आई जस्ट होप कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो पाता तुम कैनेडा की विंटर्स को और आसानी से झेल पाते. तो अमनुस्का वुल्फ डॉग सेंचुरी का तो सफ़र यहाँ ख़त्म होता है. हमें तो काफ़ी मज़ा आया, तो आप भी हमें ये बताना कि आपको मज़ा आया, और अगर आप चाहते हो कि हम ऐसी नई नई यूनिक सी जो जगहें हैं कैनेडा में अल्बर्टा में एक्सप्लोर करें और आपको भी दिखाएं, तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना. और अभी हमने बस जाने से पहले एक होता है ना परंपरा अनुसार हमने एक फ्रिज मैग्नेट ज़रूर ले लिया है एक यादगार के लिए, याद रखने के लिए हमने वो ले लिया है. तो अब यहाँ से अब चलते हैं क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, लंच का टाइम हो गया है, तो
तब चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद फिर घर चलेंगे और वीडियो को एंड करेंगे। लेकिन अभी वीडियो एंड नहीं हो रही है, अभी साथ में चलो हमारे साथ, कुछ खाओ पियो और फिर वीडियो एंड करेंगे। सो अब हमने एक बड़ी कैनेडियन चीज़ कर ली है, वाइल्ड लाइफ एम्ब्रेस कर ली है, लेकिन अब हम जा रहे हैं खाना खाने, जो कि हम खाएंगे इंडो चाइनीज, तो थोड़ा देसी काम भी हो जाए और थोड़ा बैलेंस बना रहे हैं। ऐसा ना हो ना ज़्यादा कैनेडियन बन गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली हम प्लान कर रहे हैं जाने का टू कैलगरी मोमो हाउस, लेकिन थोड़ा सा मोमोज और इंडो चाइनीज टाइप का खाने का मन कर रहा है। तो अभी हम आए हैं कैलगरी मोमो हाउस। अब मोमो हाउस है तो ऑब्वियसली यहाँ से हम खाएंगे मोमोज, लेकिन इसी के एकदम साथ में बना हुआ है पंजाबी चाप कॉर्नर। चाप खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो इसलिए ना सारा कुछ यहाँ से नहीं खाएंगे, हम मोमोज खा के फिर वहाँ चलते हैं, वहाँ पर जाके चाप खाते हैं। और तनु तो खा रही है चम्मच और फोक से, बट मैं तो प्रॉपर देसी तरीके से खाने वाला हूँ, चटनियाँ लगा के। अंदर से जूसी भी बहुत है। मोमो हाउस से तो खा लिया हमने, अब चलते हैं पंजाबी चाप कॉर्नर। बहुत पेट भर गया है, दो दो जगह हाथों के खाने, बहुत पेट भर गया है।